ड्रामा सीरियल कुमार डे बाय डे काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो आपको बताते चले कि इस ड्रामे में आने वाला है ये लम्हा जब लाइबा की मां जाएगी लाइबा के ना होने वाले ससुराल और वहां जाके मिन्नतें समाज तय करेगी और कहेगी कि आप लोगों को जो भी थी गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग प्लीज दोबारा से ये रिश्ता कर ले। लेकिन जी आप कहां ऐसे होने वाला है, क्योंकि ये औरत जो काम कर रही है उसको तो कभी राइट वे मिल ही नहीं सकता। होगा कुछ इस तरह से कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन है अब इस औरत के लिए बनने वाली है, क्योंकि इसने जीना महाल कर रहा है और रीम के जाने के बाद भी अभी तक वो औरत कोई भी काम नहीं छोड़ रही इसको पीछे करने का। खैर अब देखेंगे कि जैसे ही वो हरीम की तरफ लपकते पड़ती है साथ ही ऐसा हंगामा इनके घर पे हो जाता है कि ये लोग सब कुछ भूल जाते हैं। ये सारी चीज़ें देख के इसके बाप की फाइज के बाप की काफ़ी तबीयत ख़राब होने लग जाती है और वो कहता है कि आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया हम लोगों ने जिसकी वजह से हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। काफ़ी परेशान है उसका बाप। लेकिन जी एंड ये होने वाला है कि इन लोगों के पास इलाज के पैसे भी नहीं होने वाले, क्योंकि जो हाल ये कर रहे हैं दूसरों का ये तो बहुत कम इन लोगों के लिए है। खैर नासिर ही आके एक टाइम पे सारी हकीकत बताएगा कि आखिर आपकी माँ ने क्या कुछ किया है क्या कुछ नहीं किया है। अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा परेशान है उसका बाप, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रही। वो लोग रियान को कॉल करते हैं और कहते हैं कि देखो तुम क्या सत्यानाश हमारे इधर घर का फेर गए हो, हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा, अभी भी वक्त है, उस हमला को छोड़ो और वापिस आ जाओ क्योंकि अभी भी कुछ हो सकता है अगर तुम हमारा साथ देते हो। लेकिन रियान को हमला ने कहाँ आने देना है, वो तो ऐसे जैसे ड्रामे से गायब हो गए हैं और कुछ इसी तरह ही हुआ है। खैर उन्होंने इधर आना नहीं है और फाइज की जान यहाँ से छूटनी नहीं है, क्योंकि फाइज भी उसके साथ बराबर का शरीक है, वो भी सारी गेम में शामिल है। खैर उसको भी छोड़िए, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भी अगर हरीम के बारे में ऐसी वैसी बात करेगा तो मैं एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चलते बनिए। तुम्हें तब याद नहीं आया था जब तुमने उस पर इतने घटिया इल्ज़ामात लगाए थे, अब तुम कैसे उसके बारे में इस तरह से बातें कर सकते हो, अब ये माफ़ी तलाफी का कोई फ़ायदा नहीं, बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी भी इधर मुड़ के मत देखना। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि फाइज बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसको समझ आ जाती है कि उसकी दाल अब गलने वाली नहीं है। अब माफ़ तो कर दिया हरीम ने, लेकिन हरीम उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमेशा हमेशा के लिए फाइज उसके दिल से उतर चुका है, इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है जी बड़े अच्छे तरीके से अब उसको, और अब वो समझ चुका है कि अब उसकी दाल नहीं गलेगी। खैर जी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका है मुदस्सिर, क्योंकि मुदस्सिर को समझ नहीं आ रही कि वो आखिर अपनी बीवी से छुटकारा कैसे हासिल करे, क्योंकि उसने दिन ब दिन उसको तंग करके रख दिया है और वो हशर कर रही है कि बात बात पर जलील और बात बात पर ताने दिए जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है अब मुदस्सिर से। और मुदस्सिर अपनी माँ से कहता है कि मैं अब तंग आ चुका हूँ इस औरत से, बस कोई ऐसा रास्ता बताइए कि बस मैं इसको अब छोड़ दूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं तो तुम्हें पहले भी कह रही थी कि तुम इस लड़की को छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी को हरीम के साथ शुरू करो, वो तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब है, शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन तुम्हें ये बात समझनी होगी और इस बात पे यकीन करना होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं ले सकती है, मैं तुम्हारे लिए जो सोच रही हूँ बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो और हरीम को फटाफट से शादी करके इस घर में ले आओ, क्योंकि मज़ीद मैं भी अब ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकी, मेरी ज़िंदगी मौत का तो कोई भरोसा ही नहीं है। फाइज की आंखें जब पूरे तरीके से खुल जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा पछताता है, लेकिन अब पछतावे के अलावा इसके अलावा कुछ भी इसके पास नहीं रह गया है। आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा रोता है और अपनी माँ से कहता है कि आखिर आपने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे किया, आप माँ होकर इतना बड़ा जुल्म मेरे साथ कैसे कर सकती हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर आप इस तरह की हरकत भी कर सकती हैं। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा बस मैं चाहती ही नहीं थी कि वो लड़की इस घर में रहे, और जैसे जिस तरीके से तुमने उसको इस घर में ले के आए
मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए मैंने ये सारे कदम उठाए। लेकिन आप देखेंगे कि फ़ाइज़ अपनी माँ से कहता है, आपने जो किया सो किया, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो तबाह बर्बाद करके रख दी। मेरे पास आखिर आपने क्या छोड़ा, मुझे तो आपने बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा वो भी कहती है कि हाँ, मुझे अब जाकर एहसास हो रहा है कि हरीम इस घर के लिए एक बेहतरीन तोहफा थी, लेकिन शायद मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा पहले नहीं था। अब जाकर इन चीज़ों का इल्म हो चुका है कि हमना और हरीम में कितना फ़र्क है, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा है। आप देखेंगे कि कहती है कहकशां के, मैं जाकर वहाँ से माफ़ी मांगती हूँ और जाकर कहती हूँ हरीम को कि हम सबको माफ़ कर दे। जैसे ही आप देखेंगे कि वो मुदस्सिर जाता है, मुदस्सिर के घर जाते हैं, और क्योंकि हरीम वहाँ ही होती है, उसकी माँ उसे, मुदस्सिर की माँ उससे बेहद प्यार करती है, जिसको देख कर बहुत चौंक जाता है फ़ाइज़ और कहता है कि आखिर तुम इधर क्या कर रही हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे हरीम कहती है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब बनता है कि तुम मुझसे ये सवाल करो, तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम इस तरह से मुझसे बात करो, मैं चाहे जो मर्ज़ी करूं, लेकिन मैं तुमसे इस तरह की कोई भी तोक्का नहीं कर सकती कि तुम मेरे ऊपर कोई रोब जमा सकते हो। खैर आप देखेंगे कि वो कहता है कि हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, तुम हमें माफ़ कर दो, मुझे तो यकीन ही नहीं है कि आखिर कैसे मैंने तुम पर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा दिए और मैंने तुम्हारी किसी बात का यकीन तक नहीं किया। लेकिन बात यह है जी, वो कहती है हरीम कि अब इन सब बातों का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है और बेहतर यही है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अब उसकी ढाल बन चुका है मुदस्सिर। और मुदस्सिर कहता है कि अब कोई भी अगर हरीम के बारे में ऐसी वैसी बात करेगा तो मैं एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चलते बनिए। तुम्हें तब याद नहीं आया था जब तुमने उस पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाए थे, अब तुम कैसे उसके बारे में इस तरह से बातें कर सकते हो? अब ये माफ़ी तलाफ़ी का कोई फ़ायदा नहीं, बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी भी इधर मुड़ के मत देखना। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि फ़ाइज़ बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसको समझ आ जाती है कि उसकी दाल अब गलने वाली नहीं है। अब माफ़ तो कर दिया हरीम ने, लेकिन हरीम उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमेशा हमेशा के लिए फ़ाइज़ उसके दिल से उतर चुका है, इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है जी बड़े अच्छे तरीके से अब उसको, और अब वो समझ चुका है कि अब उसकी दाल नहीं गलेगी। खैर जी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुका है मुदस्सिर, क्योंकि मुदस्सिर को समझ नहीं आ रही कि वो आखिर अपनी बीवी से छुटकारा कैसे हासिल करे, क्योंकि उसने दिन ब दिन उसको तंग करके रख दिया है। और वो हश्र कर रही है कि बात बात पर जलील और बात बात पर ताने दिए जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही है अब मुदस्सिर से। और मुदस्सिर अपनी माँ से कहता है कि मैं अब तंग आ चुका हूँ इस औरत से, बस कोई ऐसा रास्ता बताइए कि बस मैं इसको अब छोड़ दूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं तो तुम्हें पहले भी कह रही थी कि तुम इस लड़की को छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी को हरीम के साथ शुरू करो, वो तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब है, शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन तुम्हें ये बात समझनी होगी और इस बात पे यकीन करना होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं ले सकती है। मैं तुम्हारे लिए जो सोच रही हूँ बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो और हरीम को फटाफट से शादी करके इस घर में ले आओ, क्योंकि मज़ीद मैं भी अब ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकी, मेरी ज़िंदगी मौत का तो कोई भरोसा ही नहीं है।